तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है अकबर का राजाभिषेक और राजाभिषेक में आने वाली प्रॉब्लम्स का। लेकिन दोस्तों अकबर क्या था, एक महान सम्राट था। वो मतलब अपनी थिंकिंग एबिलिटी से जाना जाता था, यानी कि उसका जो सोचने का तरीका था वो अलग था उन मुगल सम्राटों में से, सब में से। वो तीसरा शासक बना मुगल सम्राट का जिसने इतने सालों तक हिंदुस्तान पर बेहिसाब से शासन किया, यानी कि वो सब धर्मों को एक साथ लेकर चलना चाहता था। इसीलिए उसने जो मेरिज एक संबंध था वो राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात में इतने बढ़ा लिए कि मतलब उसका हर जगह उसके संबंध रिलेटिव बन गए, सारे शासक उसके रिलेटिव बन गए, सारे राजपूत उसके रिलेटिव बन गए। तो उसके जो सबसे पहले उसके राजाभिषेक में जो प्रॉब्लम्स आई उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो दोस्तों अकबर का राजाभिषेक है वो हुआ था दोस्तों आपका 14 फरवरी 1556 के दिन कालनौर नामक स्थान पर, पंजाब में पड़ता है ये। इसका जो पहला जो राजाभिषेक है 14 फरवरी 1556 को हो गया था। उस समय दोस्तों जो अकबर का संरक्षण था वो बैरम खान था, ठीक है। अब बैरम खान कौन था दोस्तों? बैरम खान एक उसका संरक्षण था, उसका मतलब अनुयायी था, या उसका बैरम खान बदखशां का निवासी था, यानी कि बदखशां का भी निवासी था और सिया मतावला भी बैरम खान था। लेकिन दोस्तों जो अकबर की जो शुरुआती विजय गाथा है उसमें बैरम खान का सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो बैरम खान का ही रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बैरम खान को इस बात का घमंड हो गया था या अभिमान हो गया था थोड़े थोड़े अकबर की तरफ से, और अकबर को भी लगने लगा कि बैरम खान को मेरे ऊपर थोड़ा सा अभिमान हो गया है, अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं सॉरी, अपने ऊपर थोड़ा सा अभिमान हो गया है। तो उसने क्या किया कि ये सबसे पहले जो अकबर था बैरम खान के संरक्षण में था 1556 से लेके 1560 तक, एक दिन क्या हुआ कि अकबर को लगा कि मुझे अब यहां से निकल के अपना अकेले का बलस्तंभ खड़ा करना है इस भारत के सामने या इस हिंदुस्तान के सामने। तो उसने बैरम खान को बुलाया और कहा कि मुझे शिकार करने के लिए जाना है। तो वो अकेला ही शिकार करने के लिए चला गया, लेकिन उसका जो थिंक था वो दिल्ली जाने का था। तो उसने वहां से क्या किया कि दिल्ली चला गया वो, और वहां जाकर घोषणा कर दी कि मैं ही यहाँ हिंदुस्तान का सम्राट हूँ, यानी कि पूरे भारत पर मेरा ही मुगलियाना जो शासन है या जो मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ वो मेरा ही हक है और मैं ही भारत पर शासन करना चाहता हूँ। तो वहां से बैरम खान का जो योगदान था वो हट गया, और बैरम खान को भी लगने लगा कि जो मैं करना चाहता था, यानी कि बैरम खान कुछ सैनिकों के साथ अकबर पर हमला करना चाहता था, लेकिन वो वहां से हट गया। लेकिन अकबर को दोस्तों मालूम था कि बैरम खान मेरे पे ऐसा कुछ करने वाला है, तो उसने मतलब अकबर ने वो पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लाया और उसको मतलब अपने रास्ते से हटा दिया, यानी कि उसको मारा नहीं अकबर ने, उसको मतलब अलग कर दिया अपने आप से। तो उसकी जो पॉजिटिव थॉट थी कि अकबर को पता था कि आगरा में उसके साथ कुछ घटना हो सकती है, यानी कि वो मारा जा सकता है, तो उसने रिएक्ट आगरा में नहीं जाकर दिल्ली में जाकर किया। तो उसकी जो पॉजिटिव थॉट थी कि वही पता चलता है कि अकबर इतना महान था कि उस समय रिएक्ट नहीं किया, कि उसको पता था कि मैं यहाँ रिएक्ट करूंगा तो मैं मारा जा सकता हूँ, तो उसी ने दिल्ली में जाके वो रिएक्ट किया। और उसके बाद दोस्तों जो बैरम खान था वो 1556 से लेके 1560 तक, यानी 4 साल तक अकबर का संरक्षण बना रहा, अकबर का साथी बना रहा। और अकबर का जो साथी था बैरम खान, उसका जो शॉर्ट नाम था उससे लोग प्यार से क्या कहकर बुलाते थे, खानी बाबा उसको कहकर बुलाते थे प्यार से, उसका जो शॉर्ट नाम था खानी बाबा था, ठीक है दोस्तों। और जो अकबर ने शुरुआती घोषणा की सम्राट बनने की वो दिल्ली में जाकर बनने की, शायद 15 या 16, 17 या 18 साल के करीब वो उसकी उम्र थी। अब दोस्तों जो अकबर का जो सबसे पहला अभियान था वो राजस्थान का ही अभियान था। राजस्थान में वो मतलब राजपूतों के साथ सबसे पहला संघर्ष उसको करना पड़ा। सबसे पहला जो युद्ध था या सबसे पहला जो अभियान था वो आमेर था, यानी कि अकबर को पता था कि अगर मैं मारवाड़ को जीत लूं तो सारे जो राजपूत हैं राजस्थान के वो मेरे हक में आ जाएंगे। तो उसने क्या किया कि मैत्री भाव जगाने के लिए उसने एक थिंक को डाला कि मुझे इनके साथ रिलेटिव संबंध भी रखने हैं और मैट्रिमोनियल संबंध यानी कि जो विवाह संबंध है वो भी रखना चाहता था। तो इसलिए उसने क्या किया कि आमेर की जो राजकुमारी थी जोधाबाई उसके साथ इसने विवाह कर लिया, यानी कि मैट्रिमोनियल संबंध बनाने में ये सबसे बड़ा माहिर सम्राट था।
तो यही उसका कॉन्सेप्ट था कि मुझे अगर शासन करना है तो मुझे मैट्रिमोनियल संबंध के साथ साथ मैत्री भाव भी रखना होगा। तो उसने उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद गुजरात के कुछ सम्राटों के साथ इसने ऐसा ही संबंध बनाया। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था कि मुझे अगर इंडिया पे शासन करना है तो मुझे सब लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। और दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था वो इतना ही था कि अकबर का राज्याभिषेक, उसके सामने प्रॉब्लम्स और उसका जो पहला अभियान था। और अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो अकबर के जो दरबारी थे यानी कि अकबर के शासन में जो नवरत्न थे, नौ रत्न, उनके बारे। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड शुक्रिया। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें। थैंक्स एंड धन्यवाद।